बच्चों हम आ चुके हैं गोवर्धन तीर्थ स्थल के ऊपर, जहां पर हम बड़ी परिक्रमा शुरू करने वाले हैं, ताकि इस बार आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो और आपकी मनचाही ड्रीम कॉलेज मिले। मेरे साथ हैं दीपक सर भी हैं, आपके लिए काफी दूर तक करेंगे, और ये महिला सर भी हैं। बहुत ज्यादा मजा आएगा, पूरा सफर हम दिखाएंगे लास्ट तक, ताकि आप लोगों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो और किस तरीके से आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ भाई, सभी प्यारे साथियों, अब दीपक जी और सुरेंद्र जी और दिनेश जी की परिक्रमा शुरू हो चुकी है और ये चल रहे हैं परिक्रमा के लिए चकाचक। भाई अब हम थोड़ा आगे की ओर, और ये कहाँ गए हमारे? अरे आओ आओ आओ, मजा आ रहा है क्या? मजा बढ़िया। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है, रात के बज रहे हैं एक, और एक अलग आनंद की ओर, क्योंकि सुबह हम बच्चों के साथ थे 12-1 बजे, और अब हम जो है गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये आपके राजसिक गुरु, और ये देखो दीपक जी, मजा आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति। टाइम के बाद में वापस आया हूं, तो एक अलग ही मजा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, सारी थकान दूर हो चुकी है। वो थकान, लंबी किलोमीटर की यात्रा है लेकिन अभी चलती रहेगी, मजा आता रहेगा बिल्कुल, एक अलग ही सुकून, एक अलग ही आनंद। देखो बच्चों, ये हमारे जीएस प्लेनेट का प्रचार गोवर्धन जी में भी कर रहे हैं, और दिनेश जी ने देखो जीएस प्लेनेट का जो है पूरा झंडा परचम लहरा रखा है यहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में। अभी हमारी बड़ी परिक्रमा चल रही है और लेट नाइट चालू की है, 1 बजे अभी स्टार्ट हुई है, और ये दिनेश जी पूरा बोझ ताने हुए हैं, जिसमें मेरे सुरेंद्र जी के कपड़े हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं जीएस प्लेनेट का। देखो तो कैसा लग रहा है? जैसा कि ऊपर देखने को अगर हम बात करें, अंधेरा हो रखा है, दिख नहीं रहा, कितना किलोमीटर बच रहा है? और अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड है 2 किलोमीटर, गोविंद कुंड आ चुका है। यात्री अपनी यात्रा को आगे की ओर प्रस्थान करते हुए। हाँ भाई, अभी दिनेश जी और दीपक जी पहुंच चुके हैं। सरी महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज के मंदिर के दर्शन करते हुए हम पूछने वाले हैं पूछरी के लोटा के पास, जहां से जातिपुरा 4 किलोमीटर है, और एक अलग ही आनंद, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही सुकून जो यहां पर हमें आकर मिल रहा है, जो मेरी आवाज, जो शुरुआत में जो मेरा गला बैठा हुआ था वो खुल चुका है। तो बच्चों आपको भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा यहाँ पर, ताकि हम एक अलग लेवल में, एक अलग जोन में जा सकें। और आप मेहनत करते रहो यार, आप पढ़ाई करो, और जब आपको कामयाबी मिल जाएगी, उस कामयाबी के बाद जब आप इधर आओगे, तो उस सुकून का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मन इतना खुश है, मैं बता भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मंदिर पूछरी का लोटा हम पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ पर हम दर्शन करके दो खाएंगे, अच्छा आशीर्वाद लेंगे आप लोगों को। तो गोवर्धन आए हुए हैं यहाँ पर, अभी परिक्रमा लगा रहे हैं, लगभग 6-7 किलोमीटर की लगा दी है। मैं दीपक सर, सुरेंद्र सर है, और मजा लग आ रहा है, मजा आ रहा है क्या? सुरेंद्र सर, दीपक सर, भाई मुझे भी बिल्कुल मजा आ रहा है। और हमारी यात्रा प्रस्थान करती हुई धीरे 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 3 बजने वाले रात के, और मजा एक अलग ही लेवल पर है। जबरदस्त आ रहा है,
बहुत तेजी से आ रहा है। कोई थकान नहीं है, कहने की बात है भाई, 1% नहीं दोगे इनके चेहरे की। आदमी हो तो मैं, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप ऐसी 10 परिक्रमा पूरी रात भर में लगा सकते हो। सुरेंद्र जी को पकड़ के ले जा रही बुजुर्ग आदमी हूँ, बच्चे लोगों का यही काम है। देखो भाई, इनको कोई थकान थकान नहीं हो रही, ये सब मजे ले रहे हैं आपके, ये डरा रहे हैं आपको। देखो चाय भी बता दो, हम चाय पिए, अब ये कह रहे हैं हम चाय पियेंगे, चलो अब इनको चाय पिलाई जाए, गर्मा गर्म चाय। तो अब हम आ चुके हैं जतिपुरा गांव में, और ये देखो आप रोड देखो, बिल्कुल जो है कंकर निकले हुए हैं। और ये सुरेंद्र जी और दिनेश जी चल रहे हैं बराबर, चेहरे पे वही मुस्कान है, थकान तो है लेकिन चेहरे पे मुस्कान कायम है। देखो कितनी थकान होगी, सुबह क्लास, उसके बाद आप लोगों के साथ होली का आनंद, उसके बाद फिर इतना लंबा ट्रेवल जयपुर से गोवर्धन जी का, और अब आधी रात को परिक्रमा। आधी रात क्या, सुबह होने वाली है, 3 बज चुके हैं, 3 बज रहे हैं। काफी ज्यादा अनुभव हो रहा है आनंद का, आंखों में नींद है, दिन भर की थकान है, उसके बाद अब हम आ चुके हैं ये जतिपुरा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हुए, और यहाँ पर रोशनी बहुत ज्यादा अच्छी है, और इस रोशनी को बनाने के लिए देखो अंधेरा हो गया। दीपक जी आज तो दीपक भी बुझ गया अंधेरे में सर, चलो उजाले की ओर लेके चलते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर। जल गए भाई, जल गए दीपक जी ने प्रसाद ले लिया, प्रसाद चढ़ाएंगे। और अब हम आ चुके हैं आपके सामने गिरिराज जी महाराज के मुख्य द्वार की ओर, जहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो अभी हम दर्शन करेंगे अच्छे से, दीपक जी का अंदर पहुँच चुके हैं। करते हुए थोड़ा सा विश्राम की ओर, और इस सामने एक नजारा दिख रहा है, वो दिख रहा है हमारे चंद्रमा का, क्या माहौल हो रखा है देखो। ये है चंद्रमा मावसवा, देखो क्या बात है, क्या रोशनी है। तो अब कैसा लग रहा है भाई, मजा आ रहा नहीं आ रहा, कहाँ बैठ गए, बैठने की बात आ रही है। यहाँ से आगे की ओर चल पड़ चुके हैं, और अवतार ने जो हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए थे, अब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ने लगे हैं, और हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। हमने लगभग 13 से 14 किलोमीटर कवर कर लिया है, 10-11 किलोमीटर के अराउंड हमारी परिक्रमा बची हुई है। और ये देखो ये अकड़ते हुए सुरेंद्र जी, दीपक जी भी थोड़े थोड़े अकड़ने की ओर है, लेकिन एनर्जी बरकरार है, मुस्कुराहट बरकरार है। और ये ऐसे लोग फालतू के एक नंबर के, क्या ही बोलूं इनको मैं, कुछ अन्नी करते रहते हैं। ये क्या है मतलब चलते हुए, मतलब ये सबसे मुझे बस सबसे कभी जो लगी है ना, वो ये देखो तो मतलब माहौल खराब करने, बस ये एक ही है, चलते हुए के ऊपर परेशान करना, बाकी सब कुछ बढ़िया है, माहौल अच्छा है। सुरेंद्र जी जाडे में बेड़े होते हुए, थोड़ा थोड़ा इनको सर्दी का असर हो रहा है, और एक इंसान ये चौड़े हो रहे हैं, वो बेड़े हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अब केवल हमारे पास 7 से 8 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो राधे राधे, राधे राधे, बस कुछ ही देर बाद हम राधा कुंड पहुंचने वाले हैं। तो इसका एहसास कैसा कैसा हो रहा है, दोनों से पूछना चाहेंगे। चोटी
लल्लन टॉप है, बढ़िया वाले। देखो सड़क देखो कितनी टाइट है, एक बार इस्तेमाल करें दर्द दर्द को जड़ से मिटाएगा। कहीं की भी खाद हो, कहीं की भी खुजली हो, अब नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको क्या इस्तेमाल करना है, मास्टर तेल। इसका नाम क्या है? मास्टर तेल। केवल ये आपको यही मिलेगा, ये स्पेशल हजारों जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है, जिसमें स्नान करने उनकी तरफ प्रस्थान करते हुए और वृंदावन में राधा कुंज। अब हम चाहेंगे चलते हैं की ओर जा रहे हैं। तो अब हम राधा कुंज पूछ चुके हैं और हमारी टीम और एनर्जेटिक होती और एक अलग ही आनंद हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ती हुई। और 72 बस अब 5 किलोमीटर बची हुई है और हम अपनी परिक्रमा पूरी कर लेंगे फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ। ये रास्ता जाएगा गोपी कुआं की तरफ, थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या करेंगे दीपक जी। तो कहाँ आ चुके हैं सर हम? गोपिया पानी भरने आते थे, ये वो कुआं है जिस पर गोपिया पानी भरने आते। मैंने गलत बोल दिया, मतलब स्नान करने आते थे, मतलब वो स्नान। अच्छा ये वो कुआं, तो राधा कुंड की परिक्रमा पूरी हुई और हम थोड़ा सा और आगे की ओर, थोड़ा सा परिक्रमा का लास्ट एंड बचा हुआ है। अब हम देख पूछ चुके हैं, लगभग हमारी परिक्रमा बची है, देखो दिन हो गया है, लगभग नहीं बची अभी 3.7 किलोमीटर। और ये सुरेंद्र जी रेस्ट करते हुए, परिक्रमा कंप्लीट होने वाली है और मात्र 1.6 किलोमीटर। और हम बस कृष्ण जी के मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और हमने बहुत अच्छे से इस परिक्रमा का लुत्फ उठाया है और बहुत अच्छा मजा आ रहा है क्या सुरेंद्र जी? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया मजा आया क्या? एकदम बहुत फर्स्ट क्लास मजा आया। अब हम बस कुछ देर पश्चात हम पहुंच जाएंगे और हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, तो माहौल कुछ अलग ही है और एक अलग ही एनर्जी लेवल डेवलप हो रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा डांस करेंगे मैरदीप सर और ये सारे नाचेंगे। देखिए जो आपको एक अलग ही एनर्जी देगी, इस उम्र के अंदर भी आप लोगों के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बार हमारे जीएस प्लेट के बच्चे क्या हो जाएं सर, सफल हो जाएं, सफल हो जाएं, बस उनकी मनचाही मुराद पूरी हो। के इस पावन पर्व पर आप सभी का श्री गिरिराज जी महाराज हर गोकुल के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप पूछ चुके हो वर्ष की पवित्र धरती श्री गोकुल धाम। ये महात्मा जी है, ये क्या कर रहे हैं? 108 बार कम से कम करेंगे और उसके बाद मतलब 108 बार पत्थर रख के फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कठिन तपस्या है, बहुत ज्यादा मेहनत। तो आखिरकार हम पूछ चुके मंदिर दर्शन करने, माहौल देखो क्या पॉजिटिव माहौल है। Thank you.
से रेडी, तो सर भी ला चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, दीपक जी भी बिल्कुल बढ़िया। अब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कांसी गंगा आप लोग देख सकते हो, कांसी गंगा का नजारा है, और ये हमारे सुरेंद्र जी का नजारा है, ये हमारे दीपक जी का नजारा है, मेरा नजारा दीपक जी दिखाएंगे, और ये मेरा नजारा। मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि हमने परिक्रमा पूरी कर ली है और अब हम दर्शन करेंगे, बढ़िया प्रसाद प्रसाद चढ़ाएंगे। और आप लोगों के लिए जो बता रहा था कि भाई हमारा काम नहीं है, तो बताने के लिए बस मैं ये कहूँगा कि आपके कॉलेज मिले, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और आपका परिवार खुश रहे। जय आयो। अब हम अपनी मंजिल के लास्ट पड़ाव पर, और अब हमारी परिक्रमा समाप्त होती हुई, और बहुत अच्छा लगा, पूरी रात ट्रैवल किया पैदल पैदल, ऐसे नहीं कि भाई कोई साधन लिया, ठीक है। अब ये हमारी परिक्रमा पूरी हुई, कल पूरे दिन भर पढ़ाया, फिर बच्चों के साथ होली खेली, फिर पूरी रात पैदल चले, और अब हम बस यहाँ पर। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहोगे, कैसा ही लगा? सुरेंद्र जी के बयान लेना चाहूंगा मैं थोड़े से। सुरेंद्र जी बताओ, बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो भाई अब लास्ट जो परिक्रमा की हमारी, मंदिर में लास्ट में हम पहुंच गए हैं बिल्कुल। तो अब हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है, दानघाटी मंदिर से चालू हुई थी, दानघाटी मंदिर में जाकर के समापन होता है, और पूरा जो है आपको ब्लॉग बना करके दिखाया गया कि कैसे किस तरीके से कहाँ का किन जगहों पर हमने, ठीक है। काफी ज्यादा थकान है तो हमारे चेहरों से नजर आ रही होगी, लेकिन मुस्कान, ये मुस्कान इसलिए है कि बहुत दिनों बाद ब्रज भूमि पर आने का सौभाग्य मिला, और ब्रज पे आने का एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि मुझे तो ब्रज भूमि बहुत पसंद है इसलिए। तो चलिए भाई यहाँ पर अपना ब्लॉग पर, मैं तो यही कहूँगा राधे राधे, बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो बच्चा।